नमस्कार भाई सर, भाई इन तो क्वेश्चन पा गए थे हम 77 पे। वीडियो को भाई पूरी देखा करो, मैं भी दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो को देखा करो पूरी, जब ये समझ में आओगा नहीं, बीच में छोड़ के चले गए कोई फायदा नहीं भाई उसका। तो 77वां क्वेश्चन देखना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन आते हैं आई बार पेपर में, मैं बार बार बकाया करूँ, जितने भी इन नोट्स में क्वेश्चन है ना वो आई बार हर बार साल पेपर में आ रहे हैं, वह क्वेश्चन डाले गए हैं भाई सर के द्वारा ये इसमें। तो क्वेश्चन एक एक बढ़िया ध्यान तक करो, और एक बार नोट्स कर लिए तो दोबारा फिर करने की कोशिश करो इन्हें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जितने भी हैं सारे ये। तो 77वां क्वेश्चन देखना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 96, 528 एंड 792। जहाँ भी मैंने तैयार तो पहले ही बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ भी दिख जाए, ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा, ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब हमें निकालना भाई एच सी एफ। तो क्या करें, सीधा पहला कुछ नहीं देखना हमने, सीधा काट देना एच सी एफ इसका पहले। तो एच सी एफ देख लो कैसे निकलेगा, 528 को पहला करेंगे हम, 24 से डिवाइड, 528 को ना 96 से डिवाइड करेंगे, तो 96 डिवाइड करेंगे 5 पे जाओगा 480, 48 बच गया, फिर 96 इसके अंदर आ जाएगा, 48 दूनी 96, मतलब पहले का आ गया 48, फिर जो तीसरी संख्या हुआ है 792, 48 में 792 तो कर दो, ये 16 16 पर जाओगा, और फिर 24 बच जा, 24 बचने के बाद 48 अंदर आ, 24 दूनी 48, मतलब इनका एच सी एफ आ गया भाई 24। तो 77वें का अंत 24 आया है एच सी एफ, तो कुछ निकालना था भाई इसका, एच सी एफ ही निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन है 78, नियरेस्ट नंबर ऑफ 4, 3, 5, 8, 2 विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25, 50 एंड 75। 43582 के सबसे नज़दीक वाली संख्या जो 25, 50 और 75 से प्रत्येक द्वारा पूर्ण विभाजित होती है। तो क्या करना, हमने 25 का, 50 का और 75 का पहला लेना है भाई एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे ऐसे 25, 50, 75, 5 डिवाइड करेंगे, होगा ये देख लेना तरीका, लिख दिया एलसीएम आएगा इसका 150, 150 एलसीएम आने के बाद उसको करना हमने 43582 से डिवाइड। जब हम 43582 से ना करेंगे डिवाइड तो पहले जाओगा 2 पे 300 आ जाएगा, बच्चेगा 135, 8 हम नीचे कैरी कर लेंगे ऊपर दें, फिर जाएगा 9 पे 1350, कितना बच जाएगा 8, और 2 आ जाएगा ऊपर दें कैरी, मतलब 82। जो 82 नंबर आएगा ना भाई वो देखना हमने कि 150 के आध देता है, फालतू है कम है, अगर कम है तो चल जाएगा, अगर ज़्यादा है तो हमने 150 में तो घटा गए, आंसर लगाना पड़ेगा। तो देखो 82 इसका 150 का आधा कितना हुआ है 75, तो 75 देखो फालतू है, 75 है तो फालतू है, तो हमने 150 में तो घटाना पड़ेगा, तो 150 में इसने कर दो घटा, 150 में इसने घटा दोगे, घटाने के बाद आओगा 68, 68 जो आओगा वो इसमें ऐड कर देना है, 43582 में 68 ऐड कर दो, 43582 में जब एडसेट ऐड करोगे भाई आंसर आ जाएगा 43650 आंसर। तो ये होता 78th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा गया था पिछले साल यो। 78 फिर देख लो एलसीएम निकालना है, 150 आ जाए एलसीएम, 150 डिवाइड करना है, जैसे पीछे जो भी रिमाइंडर आ 82 आ गया, जैसे 150 होता है भाई इसके 150 के आधे देता है, मतलब बड़ा है तो हमारा छोटा चाहिए 150 के एलसीएम, तो 150 में तो 82 घटा दोगे क्या आएगा 68, और जो 68 आएगा वो हमने कर देना है ऐड इसमें बीच वाले में, तो इस बीच वाले में जब ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 43650 इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद 79th क्वेश्चन दिखाता हूँ उधर, तो क्या है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया मतलब हमने सीधा एच सी एफ की आ गई दिमाग में बात, ठीक है। विच वैन डिवाइडेड बाई 130, 178 और 17, 170, लीव द रिमाइंडर 2, 4 एंड 10। देखो एल सी एम में क्या करते थे हम, एल सी एम वाले में अगर यह बात, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दिस एंड दिस, जब रिमाइंडर ये क्या करते थे, पहले एलसीएम निकाल देते फिर उसमें रिमाइंडर ऐड या माइनस करते थे, ठीक है। लेकिन एचसीएफ वाले में क्या करना है हमने, एचसीएफ जो भी आ गया ना पहला, ये जो नंबर है ना इसमें हमने पहले के ये रिमाइंडर माइनस करने पड़ेंगे, और फिर जो टर्म आएगी माइनस करने के बाद फिर उसका निकालना हमने एचसीएफ। तो ये था इसका तरीका, ये वाली अगली टाइप है, देखो 79th कराता हूँ मैं, तीन संख्या दे दी 130, 148 और 170, तो तीन संख्या है ये, तो पहले का रिमाइंडर है माइनस टू, मतलब रू टू रिमाइंडर बच रहा है इसका 4 और 10, मैंने क्या बताया रिमाइंडर करना है इसमें तो माइनस, रिमाइंडर माइनस करेंगे तो बचा 128, इसका बचा 144 और इसका बचेगा 160। डिवीजन वाले मेथड तक काटना इनका एचसीएफ, एचसीएफ निकालोगे इसका आज आंसर 16, बस एचसीएफ निकालना इसका, जो रिमाइंडर है ये माइनस करके एच जो टर्म आऊंगी उन तीनों का निकालना एचसीएफ, जो कि आ जाए हमारे पास 79th का 16, तो इसका आंसर आ गया भाई 16। क्वेश्चन देखना अगला, अगला बिल्कुल सेम है, फाइंड द ग्रेटर नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 2, 261, 933, 1381, लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब सारे में 5 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, वही है रिमाइंडर कर दिया माइनस, रिमाइंडर माइनस करने बाद क्या है 256, 928 और 1376, इनका निकाल देना है एच सी एफ, क्योंकि उसमें ग्रेटेस्ट नंबर दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर मैंने बताया, ग्रेटेस्ट नंबर आते हैं
तुमने कुछ नहीं देखना, बस एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ कितना आ जाएगा, 32। 80 का आंसर है भाई 32। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखो 81th। 81th में क्या कह रहेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 2011, 2623, लीव द रिमाइंडर 985। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, 2011 है, 2623 है, इसका रिमाइंडर बचा है 9, इसका बच रहा है 5, माइनस कर देंगे। एच सी एफ वाले क्वेश्चन हमें, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर उसमें करेंगे हम ऐड जो भी रिमाइंडर होगा। अगर नहीं देखी है तो पिछले पार्ट में देख लो वीडियो, एलसीएम वाले की है जो ये भी, तो पिछले पार्ट में जरूर देखियो भाई उन्हें, वैसे तुमने कर लिए होंगे अगर पीछे थे तो। पार्ट वाइज चला करो, एक बार बात बता दूँ, पार्ट वाइज चला, जैसे पार्ट वन पार्ट टू ऐसे बढ़ते जाना, क्योंकि नीचे तो हुआ बेसिक तो स्टार्ट, बेसिक तो आने के बाद भी हाई लेवल पर आ रहा है। 100 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 81 पे पहुंच गए हैं। नीचे बेसिक से स्टार्ट करो और ऊपर ती जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो 81 पे क्वेश्चन है, क्या बताया था, रिमाइंडर करना है माइनस, 2002 आ गया, 2618 आ गया, माइनस करने के बाद इसका एच सी एफ लिया गया होगा 154। ठीक है, 154। अरे एच सी एफ लेने की ट्रिक बता देता हूँ, एच सी एफ लेने की ट्रिक क्या होती है, जो इनका डिफरेंस आएगा ना उनके मल्टीपल में होता है इसका एच सी एफ, जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। इनका डिफरेंस देखो कितना होगा, डिफरेंस निकालो इसका होगा 616। 616 डिफरेंस निकालने के बाद कितना होता है, एक तो जाएगा 154 और 4, मतलब 154 ने 4 तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर है हमारे पास 616। 154 ने 4 तो गुणा करोगे तो हमारा जो 154 है ना, ये बड़े से बड़ा नंबर है जो कि इन्हें डिवाइड कर रहा है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास 154। ठीक है भाई, तो 81 शॉर्ट ट्रिक है, वैसे वैलिड मेथड है इसका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो करोगे तो वो भी उससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये मैंने वो बताया, डिफरेंस कर दो, डिफरेंस जो करोगे उसके मल्टीपल में कोई भी एच सी एफ होगा जो आएगा, माइनस कर, एच सी एफ आ गया 154। 81 का आंसर हो गया 154 भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेंट डिवाइडेड बाई 38, 45, 52, लीव द सेम रिमाइंडर 2, 3, 4। अगला भी बिल्कुल सेम है, 38, 45 और 42, रिमाइंडर 2, 3 और 4, माइनस कर देंगे 36, 42 और 48 आओगा। इनका एच सी एफ निकालेंगे तो आंसर आ जाए हमारे पास 6, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 6। अगला देखो, नंबर दे दिया 445, 572, 6, 99, लीव द सेम रिमाइंडर, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, मतलब एच सी एफ रिमाइंडर 4, 5, 6 है, रिमाइंडर हमने क्या करना, घटा देने हैं सिंपल, और कुछ नहीं करना। संख्या दी 445, 472, 699, इसमें रिमाइंडर जो हम घटाओगे क्या क्या, ये एक तो 4, 5 और 6, इनमें घटाने के बाद एच सी एफ आओगे इनका भाई 63। तो 80 कौन सा, ये 83 का क्वेश्चन आंसर हो गया 63। ठीक है, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन है, गेवा कराऊंगा अगली वीडियो में, एक बार ये कर लो और इनके नोट्स बना लो बढ़िया। तो यहाँ धन्यवाद, अगर वीडियो बढ़िया लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, आई वीडियो में कहूँगा कर दिया करो यार, शेयर जरूर कर दिया करो, तारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा इस बात का। जितने भी 700 बंदे हो गए हैं, तो जितने भी हो उसका यार शेयर जरूर कर दिया करो, शेयर करने तक क्या होगा, जितने भी भाई हैं अगर एक बंदा भी करेगा तो यार सीधे 700 शेयर हो जाएंगे, 700 बंदे करेंगे तो 700 शेयर हो जाएंगे। फेसबुक पर तारा कोई ग्रुप हो जिन्हें जरूरत हो भाई, पढ़ नहीं चाहता हो लेकिन हो नहीं अवेलेबिलिटी, मैं सारे नोट्स कराऊंगा बढ़िया डाल, मैथ होगा सारे का सारा, और ये नोट्स हो गए ना न्यू समझ लो, थारा ग्रेजुएशन लेवल तक पेपर की तय नहीं गया, अगर ये तुमने बढ़िया डाल रट बगाए 2-3 बार कर दिया ना, तो प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि भाई बढ़िया डाल हो जाएगा। और वीडियो पूरी देखा करो, बीच में स्किप ना करा करो, न्यू चलने दिया करो भाई, इससे थारा ही फायदा है। धन्यवाद, शेयर सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो कि मैं समझ ना हो तो। धन्यवाद।